नई नई कहानियाँ और नई नई साड़ी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे हमेशा के लिए। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम है मेघा राठौड़, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। हे गाइस, आज मैं जिस जगह पर आई हूँ उस जगह के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, पर उसके पहले मैं यहाँ क्यों आई ये बताती हूँ। ये लोकेशन इतना अच्छा लगा और देखने में इतना सुंदर है, इस लोकेशन पे मैं आज एक शूट करने आई हूँ। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो इस ब्यूटीफुल साड़ी में, ये साड़ी मुझे रिसीव्ड हुई है indiehue.com से। नीचे मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लेना। इस साड़ी के बारे में क्या ही बताओ, इलीगेंटली ग्राफ्टेड चंदेरी कॉटन सिल्क साड़ी इज ऑर्नामेंटेड विथ गोल्डन जरी स्क्वायर मोतिफ जाल। द कॉन्ट्रास्ट पल्लू ऑफ साड़ी इज मैचिंग पैटर्न इन गोल्डन जरी आर्टिस्ट्री, फ्लोरल मीनाकारी वर्क एंड चार्मिंग ग्रेस। सच बोलूं, ये एक स्मार्टेस्ट क्रिएशन है जो कि इतना कंफर्टेबल एंड लाइट वेट साड़ी है। और हाँ, मेरे इस वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। एक्चुअली इस लोकेशन के बारे में मुझे बताना, इस लोकेशन का नाम है कालिया देह महल। एक्चुअली नाम से ही पता चल जाएगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। जितना ब्यूटीफुल ये प्लेस है उतनी ब्यूटीफुल ये साड़ी है। ये साड़ी तो सीजन फेवरेट, बेस्ट सुटेड फॉर वर्क प्लेस इवेंट्स एंड पार्टीज। सो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में जिस वेबसाइट के बारे में दिया है उस वेबसाइट पे जाना ना भूले। मैंने मेंशन किए हुए www.indiehue.com पे जाना और वहाँ सर्च में सिर्फ मेघा राठौड़ डालिए, आपको इतनी सुंदर साड़ियाँ मेरे ऊपर दिखेगी कि आपका मन ही करेगा कि ये मेरे पास भी रहे। और या कोई जेंट्स हो तो उनको लगेगा कि ये मेरे लव वन के पास रहना ही चाहिए। तो गाइस जल्दी जाना, जब मेरा ये वीडियो फिनिश हो जाएगा तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाना और www.indiehue.com पे आप सर्च करना। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे, मैं इस लोकेशन के बारे में बताती हूँ। इस लोकेशन का नाम है कालिया देह महल। ये MP के महाकाल नगरी उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे शिप्रा नदी है, यह शिप्रा नदी घाट भी बोलते हैं। और पता है, इस महल के चारों ओर पानी है, चारों ओर मीन्स नीचे भी पानी है, महल के नीचे भी पानी है। एक्चुअली पानी के ऊपर ही महल बनाया गया है। यह महल 500 साल पुराना है। मांडू के एक सुल्तान ने 1458 में इसकी नींव रखी गई थी और इसके बाद सिंधिया राजघराने ने इसे खरीदा गया था। तो ये महल सिंधिया राजघराने का ही प्रॉपर्टी है। पहले ऐसे माना जाता था, महाकाल नगरी आने के बाद वहाँ रात नहीं गुजारी जाती थी, इसलिए 10 किलोमीटर दूर ये विश्राम गृह बनाया था। यहाँ विश्राम करने एक बार बादशाह अकबर एंड जहांगीर भी आए थे। इसके बारे में दो शिलालेख पर जानकारी अंकित की गई है। विरासतों की दुनिया, अतीत का आंगन, महल की मीनारें, जैसे कुछ सोच में डूबी हुई हो। नदी, घाट, कुंड जैसे स्वागत के लिए तैयार बैठे हो। दौर गुजरा और रियासतें बदले, सल्तनतें गुजरी, लेकिन कालिया देह महल यही सुना रहा है अपनी विरासतों की कहानियाँ। और गाइस आप देख सकते हो वीडियो में ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जहाँ वाटर दिख रहा है, इनको कहते हैं 52 कुंड। एक्चुअली ये इस टाइप के 52 कुंड बनाए गए थे। वैसे मैं बहुत लक्की हूँ, जिस चीज़ के ऊपर खड़ी हूँ वो 52 कुंभ है और ये मुझे विजिबल दिख रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि शिप्रा नदी का पानी पूरा टाइम, ज़्यादा तो सीज़न में ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है, 52 कुंभ दिखते ही नहीं हैं, काफ़ी ऊपर तक पानी रहता है, पानी बहता रहता है। सदियों से ये महल यहाँ खड़ा है और इसके बारे में कई कहानियाँ भी हैं। यह काफ़ी प्राचीन जगह है,
विरासतों की दुनिया, अतीत का आंगन, महल की मीनारें जैसे कुछ सोच में डूबी हुई है। कहा जाता है सुल्तान पारा के नशे का आदि था और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए इन्हीं कुंडों में दिन रात डूबा रहता था। बादशाह को तो छूने का अधिकार किसी को नहीं था। एक बार बादशाह पानी में डूबा हुआ था तो किसी सिपाही ने उन्हें डूबने के डर से बाहर निकाला। कहते हैं बादशाह इतना नाराज हुआ कि उस सिपाही के हाथ कटवा दिए क्योंकि उसने बादशाह को हाथ लगाया था। आखिरकार एक रात जब सुल्तान बावन कुंड में आराम कर रहा था तो उसकी जल समाधि बन गई। सो गाइस, नई नई कहानियाँ नई नई साड़ी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे हमेशा के लिए। सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।